आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा ये किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करते हो तो आपके लिए चौंकाने वाली खबर आई है। सोने की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है, लेकिन जल्द ही भारतीय लोगों के लिए सोना खरीदना काफी सस्ता होने वाला है। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या है और इसका असर सोने पर किस प्रकार से पड़ेगा। रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी करेंसी डॉलर के ऊपर निर्भरता घटाने को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है, जिसे अलग अलग देश ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कच्चे तेल से लेकर दूस के कमोडिटी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए डॉलर्स खरीदते हैं। साथ द्विपक्षीय ट्रेड के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। जापान और चीन लगातार डिडॉलराइजेशन के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। भारत दुनिया की पहली पसंद है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक ने कहा था कि भारतीय करेंसी रुपया रिजर्व करेंसी का स्टेटस हासिल करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश यूरो को रिजर्व करेंसी नहीं बना सकते क्योंकि यूरोप बिखरा हुआ है। यूके और जापान की अब वो हैसियत नहीं है कि पाउंड और येन को रिजर्व करेंसी बना सके, तो वही चीन पर दुनिया भरोसा नहीं करती है और इसलिए युआन रिजर्व करेंसी नहीं बन सकता है। ऐसे में भारतीय रुपया रिजर्व करेंसी बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हो सकता है। भारतीय रुपया रिजर्व करेंसी बनता है तो भारत के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे भारतीय रुपया काफी तेजी से मजबूत होगा और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत विदेश से डॉलर में सबसे ज्यादा सोना खरीदता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो सोना काफी सस्ता हो सकता है। भारतीय लोगों को सोना काफी सस्ते में मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय रुपया मजबूत होना चाहिए और सोना सस्ता होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।